सर्वा बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ओम दुर्गाय देव्यै नमः ओम देवी कालरात्रै नमः। नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि का पूजन अर्चन किया जाता है। माँ दुर्गा जी की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ कालरात्रि के पूरे शरीर का रंग एक अंधकार की तरह है, इसलिए इनका शरीर काला है। इनके सिर के बाल हमेशा खुले रहते हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके तीन नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं, जिनसे चमकीली किरणें हमेशा निकलती रहती हैं। माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गधा है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग यानी कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयंकर है, लेकिन ये देवी सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। नवरात्रि के सातवें दिन हरे रंग के वस्त्रों को पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। सप्तमी पूजा के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक आधी रात में देवी की तांत्रिक विधि से पूजन करते हैं। माँ को प्रसन्न करने हेतु भक्त प्रायः इस मंत्र से उनका ध्यान करते हैं। एक वेधी जपाकर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कणी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पदोल सल्लोहलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। माँ कालरात्रि की पूजा पूरी हो जाने के बाद शिव और ब्रह्मा जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, फिर आरती कर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। माँ कालरात्रि को भक्त शहद का भोग लगाएं। भक्त जब भी अपने शत्रुओं से घिर जाएं और हर एक उन्हें अपने विरोधी नजर आए, तो ऐसे में उन्हें माँ कालरात्रि का पूजन अर्चन करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से हर तरह की शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। आशा करते हैं हमारा ये अंक आपको पसंद आया होगा। नवरात्रि का आठवां दिन माँ महागौरी को समर्पित होता है, तो जानिए कैसे करें माँ महागौरी का पूजन अर्चन, किस रंग के कपड़े पहने और कैसे करें माता को प्रसन्न। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए अवश्य लाभ लें हमारे अगले अंक का, जो समर्पित होगा माँ महागौरी को।